सत श्री अकाल डॉक्टर संतोख सिंह संतोख क्लिनिक वालों। अज मैं दोबारा आया कि रशिया की न्यूज आई सी ना, देखो पूरी दुनिया पूरी फोर्स लगी हुई है कि वैक्सीन बना लीए अपना, क्योंकि इस टाइम बनाने का भी जरूरी भी हैगी है। आप थोड़ा सीरियस नोट पर रहिए तो सानू मतलब आप इस देखो ट्रीटमेंट तो है नहीं, ट्रीटमेंट हाले कोई बनती नहीं है। तुम ये देखो कि जी पुरानी प्रॉब्लम सी प्लेग किन्ने साल तो आ रहा ओदी वैक्सीन अज तक नहीं बनी है। तो असं उम्मीद करा सारे साइंटिस्ट मिलकर जो साढ़े साइंटिस्ट है जो वर्ल्ड वो इस वैक्सीन का कोई ना कोई वैक्सीन इस बीमारी की कोई ना वैक्सीन बना, क्योंकि वैक्सीन ना ही हल है ट्रीटमेंट तो बाद की गल है, पहले बचाव करिए, बचाव ही ट्रीटमेंट हैगी है ना। हम बचाव के मैं समझाया कि अपना जो हिंदुस्तान का जो देसी नुस्खे है जो आप इम्यूनिटी बूस्टर के है ना, वो बड़े मेरी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। तो मैं कुछ कुछ दोबारा दसागा तो आप गल करते हैं पहले रशिया की। तो हम रशिया की कह रहा है इस टाइम, रशिया कह रहा है कि इन्हें जी वैक्सीन बना लिया है ना, इन्हें ट्रायल शुरू किया जून 18 को। देखो तो इंडिया वाले भी इंडिया के बीच भी काफ़ी मतलब चर्चा हुई सी, CSIR ने कहा कि कोवैक्सीन भी जल्दी बन जाएगी, होड़ लगी हुई है जल्दी वैक्सीन बना दी लोगों का जरा वैसा कहते वैक्सीन जल्दी बने, कल ही बन जाए अपना ये पंगा जहाँ खत्म हो गया, अपना सारे लॉकडाउन खत्म करिए तो अपना वैक्सीन लगा के अपना बाहर घूम सकी। लेकिन इन्ना सौखा नहीं है भाजी, तो मैं द्वारा मैं आया अच्छ इन्ना सौखा नहीं है जिन्ना दिख रहा सानू, क्योंकि सारी साइंटिस्ट ना सारे वर्ल्ड ही लगी हुई है इतने वैक्सीन के पिछे। एक तो उन्होंने कुछ फाइनैशियल रीजन भी हो सकता, नंबर दो एक नंबर दो जो चीज़ हैगी है कि बीमारी ऐसी घातक बनी है, ये बनी है या बनाई गई है पता नहीं, वो भी इन्वेस्टिगेशन मतलब कद होएगी कद नहीं होएगी, तो बाद होएगा जब कोरोना ठीक होएगा। फिलहाल आप आफत में फंसे हुए हैं, जरा बना है आपको वेलकम करा। तो रशियन गवर्नमेंट ने रशियन के एक यूनिवर्सिटी हैगी है स्किन ऑफ है, रशियन के नाम एवजे होंगे हैं। उन्होंने जो प्रेजिडेंट है जरा यूनिवर्सिटी का वह नाम यलिना मॉल यारचुक। उन्हें क्या सीगा, हमने ट्वीट किया सीगा कि असी 18 जून नू असी तकरीबन 38 बंदियां ते, देखो इतने राइडर है 38 बंदियां ते, सिर्फ 38 बंदियां ते असी ये वैक्सीन लगाई, ते वो जो वैक्सीन लगाई वो साइड इफेक्ट आए ने माइनर से, बुखार हो गया हैडेक हो गई दो दिन ठीक हो गया। चलो मोटी मोटी गल है, मतलब कहना मतलब होंगे कि ट्रायल 1-2 जो होंगे ने वे होंगे कि साइड इफेक्ट्स किन्ने हो रहे हैं, पंगा तो नहीं पै रहा कोई, तो एफिकेसी किन्नी हैगी है। उन्होंने दावा किया है प्रेजिडेंट ऑफ जी यूनिवर्सिटी हैगी है यलिना मॉल यारचुक ने कि जरा एफिकेसी हैगी बहुत अच्छी हैगी है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, ये साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो ये जो पेशेंट है फिलहाल इन्होंने महीना हो गया, अज तकरीबन डेट 14 हो गई है, तो 14 जुलाई, तो इन्होंने 15 जुलाई को इन्होंने ये पेशेंट जो पहला बैच इन्होंने रिलीज़ कर देना है, बिल्कुल ठीक है, एसिम्पटोमैटिक है इस टाइम। तो बाकी जो दूजा बैच है इन्होंने करना है 20 जुलाई को। तो इन्होंने ये भी लिखा है कि 6 महीने इन्हों की टैसट करते रहेंगे, कोई नुकसान तो नहीं होया वैक्सीन, तो मतलब की होया कि 6 महीने के बाद ही यूज होनी चाहिए है ना। तो जी न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ चल रही थी तो मैं क्या अपने जो मेरे फैनस है मेरे फॉलोअर्स है मैं उन्होंने न्यूज़ पहुँचाव कि ये रशियन गवर्नमेंट ने जी चीज़ क्ढी सी, कुछ इन्नी जल्दी जल्दी ना समझो कि जल्दी जल्दी हाथ लगन वाली कोई चीज़ हैगी है। तो ये प्रॉपर WHO प्रूव करेगा, WHO के अंडर टैसट होए ने, मानता है मेरी गल, WHO तक प्रूव नहीं करता, वो साइड इफेक्ट नहीं देखता, वो ये एफिकेसी नहीं देखता, साइड इफेक्ट भी देखने हैं, कोई मौतें तो नहीं हो रही वैक्सीन ला के, तो कोई ऑर्गन फेलियर तो नहीं हो रहा, ऑर्गन फेलियर नहीं हो रहा तो किन्नी काम कर रही है, देखो किन्ने स्टैप होंगे ने वैक्सीन वास्ते। तो मैं दस रहा कि प्लेग की वैक्सीन अज तक नहीं बनी, ठीक है, ये आपदा अज तक नहीं आई, ये थोड़ी जी आई सी चाइना के बीच, और शुक्र है संभाली उन्होंने, मेहरबानी करती साढ़े पर, तो सारिया मुसीबत पता नहीं क्यों इतों ही निकलदियाँ हैं इसी कंट्री चो, तो फिलहाल जी निकल रही है। तो आप चलो आप इन्ने ज़्यादा वह ना करिए, आप अपनी गल अज की गल करिए कि अज की डेट में यह इनफॉर्मेशन हैगी है, इंडिया भी कोशिश कर रहा है कोवैक्सीन बना की, तो वह भी ट्रायल एडवांस स्टेज पर है। ICMR ने कहा कि आप जल्दी इनफॉर्मेशन मतलब वैक्सीन बन के मार्केट आएगी। मैं गल रशिया वास्ते मैं लाइव होया सीगा कि रशिया की मैं तुम्हें गल करा कि रशिया ने इनफॉर्मेशन दिती है, तो आपू इन्ने खुश होने की फिलहाल जरूरत नहीं हैगी, क्योंकि वो क्लेम करते हैं पता नहीं क्यों क्लेम करते हैं, तुम बना के क्लेम करो तो वधिया हुंदा है, तो आप पहले क्लेम करांगे तो कोई मजा नहीं आता ना, कल वो चीज़ बनती है नहीं बनती है, वो वैक्सीन के 6 महीने की रिजल्ट आते हैं है ना। तो चलो उन्होंने मुबारक हो जल्दी बना। तो मैं गल करा दोबारा कि जो मैं इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बनाया सी ते बड़ी वैल हुई सी वो वीडियो मेरी, तो मैं दोबारा एक बार रिवाइव करा देव कि मैं क्या सीगा कि तुसी नॉन स्टिक पैन ले लो,
नॉनस्टिक पैन लैन तो बाद उदे विच तुसी 6 चम्मच तुसी सौंफ दे 3 चम्मच धनिया साबुत धनिया 3 चम्मच जीरा ते तकरीबन 10 लौंग ते 1 चम्मच ग्रीन इलायची हरी इलायची छोटी इलायची होंगी जी ते 1 चम्मच काली मिर्च ये पा के असी इनू भुन लीए तवे ते असी इनू भुन लीए ते भुनन तो बाद जब नमी नमी निकल जाए सारा कुछ निकल जाए ते फिर असी उनू एक मिक्सी दे विच इनू पा के ते इनू आपा घुमा दीए ग्राइंड कर लीए बरीक चूरा पाउडर बना दीए ते चूरा पाउडर बनन तो बाद ते इहदे विच 1 चम्मच दालचीनी दा सिनामम धनिया कोरिएंडर धनिया कहिंदे ने सौंफ नूं फैनल जीरे नूं आपां क्यूमिन ते क्लोव्स नूं आपां क्लोव्स ही कहिंदे इलायची नूं आपां कार्डेमम कहिंदे ठीक है जी ते उहदे विच तुसीं सारा इहनूं पी के ते 1 चम्मच दालचीनी पाउडर पाउणा ते 6 चम्मच हल्दी ते पाउणे ये सारा जो बन गया सिस्टम ये तुसी अपना रख लो किसी डब्बे पा के हाइग्रोस्कोपिक है ये नमी लेंदा है तो ये देखो की चीज़ें है ये सारे एंटी ऑक्सीडेंट है मैं मार्केट बड़े देखे कि कई कंपनियों से कड़े है इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर 2 चीज़ें पाई हुई हैं काली मिर्च पिपली सुंड पाई हुई है ठीक है मैं सुंड उदो नहीं पाई सी या पहले मैं वायरल होया सीगा क्योंकि सुंड उदो सारा लॉकडाउन सीगा लॉकडाउन सीगा सुंड मैं नहीं पवाई सी तुहानू तो मैं इत्थे मैं राइडर दे दिंदा कि तुसीं हुण इहदे विच 1 चम्मच सुंड दा भी पा सकदे हो पीसी हुई सुंड दे पाउडर दा भी पा सकदे हो सुंड नूं आपां नहीं ओह गर्म करना ते उदों मैं नहीं पाई सी मैनूं बहुत वैद्यां ने कहा सीगा कि भाजी तुसीं इह क्यों नहीं पाई ते मैं कहा सी लॉकडाउन हैगा सुंड पाउडर घरां च नहीं मिलदा मेरे सामने तो नहीं मिलता किसी का तो मिल जाएगा तो मैं नहीं पाई सी तो हूँ ये मिल जाएगा तो लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं लोग आप बाहर आ चुके हैं आप बेपरवाह हो चुके हैं कोरोना कितने गया नहीं मौत बढ़ रही हैं आप बेपरवाह है तो आ भी मेरी रिक्वेस्ट है जोड़ के कि तुसी मास्क जो है अपना मैं तो हूँ लागे होने ताई बहुत पंद्रह दिन मैं हमने लागे उत्थे रखे है तो N95 मास्क पा के बाहर निकलना है अगर आप हॉस्पिटल जाना है तो खास करके अपना ध्यान रखना है कि मास्क तो बिना आप कदे भी नहीं जाना मास्क से आप हाथ नहीं लाना तो अगर हॉस्पिटल जाने की लड़ पी भी हैगी है तो मास्क लाने का तरीका होंगे वो देखो नेगेटिव सब साफ लिखा हुआ है किस तरह रखना है किस तरह अपनी हैंड हाइजीन फॉलो करनी है असं ये बीमारी अपने आप से नहीं लैनी व्डे व्डे दिग्गजा भी ये प्रॉब्लम आ गई है सुनी हुई ना 3 दिन 4 दिन पहले अमिताभ बच्चन जी ने भी ये प्रॉब्लम आई है तो असी यही दुआ करांगे कि जिन्हें भी ये जेडे दिग्गज हैगे है या आम बंदे हैगे है अपने वास्ते मीनस बाबे वास्ते सब बराबर है ठीक है करम ना वड्डे हो गए कोई ना छोटे ने आई मीन टू से कि जिन्हें भी कोविड के पेशेंट हैगे है असी इन्हें मौत हुई ने इन्हों की गलती नहीं सी गलती साड़ी गलती किसी भी नहीं सी पर बदकिस्मती सी साडे को ट्रीटमेंट तो वैक्सीन नहीं सी साइंस की अपना साइंस की आप कह लेंगे कि साढ़े को इन्नी आप उम्मीद नहीं की सी कि तगड़ा वायरस बन जाएगा यदि गलती मैं कितने करवा किसी की है ना तो जो होना सी तो वह होके ही रहा है तो जिस तरह भी होया इन्वेस्टिगेशन बाद चो होएगी तो आई मीन टू से कि जो ये चीज़ बनी हैगी है फिलहाल की डेट के विच वो तुसी खाना तो वाणा है डाइट एंड एक्सरसाइज खाना है तो वाणा है तो इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर जरूर खाना है ये मेरा पूरा दावा है कि ये काफ़ी इफेक्टिव हैगा जो मार्केट बूस्टर पाउडर मिल रहे हैं उन्होंने देखो 2 या 3 4 द्रव पाए होंगे ने तो वह भी उन्होंने रेट भी ठीक ठाक रखे होंगे ने अपना मार्जिन होंगे एम आर का खर्चा होंगे स्टॉकिस के खर्चे ये अला बला जो भी होंगे ये सीधी चीज़ें कस मिलती ने सोई चीज़ें मिलती ने तुम इनू बनाओ तो इनू खाओ तो फिलहाल जब तक कोई वैक्सीन ऑथेंटिकेटेड बाय WHO मार्केट्स नहीं आती असी पूरा अपना ख्याल रखना है अपनी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रोंग रखना है अपना कार्बोहाइड्रेट चीनी खंड घट खानी है तो आप प्रोटीन तो अच्छे फैट खा के एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी स्ट्रोंग रखिए मोटापा ना आए काम भी करना है अगे भी जिंदगी बदनी है इस रुकनी तो है नहीं IMC भी जाएगी नहीं पक्का ये तो पक्का ही है तो संतोख क्लीनिक वालों सबनों सत श्री अकाल।